सुल्तानपुर जिले में बहुत ही अनोखी तस्वीरें देखने को मिली। जिले के डीएम अचानक ही प्राथमिक विद्यालय पहुंच गए, जहां उन्होंने कक्षा 8 के छात्रों का टेस्ट लिया। इस टेस्ट की सबसे खास बात यह रही कि इसका प्रश्न पत्र खुद डीएम ने सेट किया था, और तो और मौके पर पहुंचे सूचना अधिकारी को भी बच्चों के साथ बैठकर प्रश्न पत्र हल करना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। ये मजेदार तस्वीरें दुबेपुर ब्लॉक में मौजूद उच्च प्राथमिक विद्यालय की बताई जा रही हैं। यहां पिछले कई महीनों तक डीएम ने छात्रों को मैथ, इंग्लिश, साइंस, भूगोल और सामान्य ज्ञान पढ़ाने के बाद कक्षा 8 के छात्रों की परीक्षा ली। सभी सब्जेक्ट्स मिलाकर डीएम ने 10 प्रश्न तैयार किए। स्कूल में मौजूद टीचर्स की मदद से उन्होंने छात्रों को प्रश्न पत्रों का वितरण कराया और तय वक्त पर परीक्षा शुरू हुई। डीएम ने कई छात्रों की कॉपियों को खुद ही चेक किया और उन्हें नंबर भी दिए। मूल्यांकन में कक्षा 8 के करीब करीब सभी बच्चे पास हुए। परीक्षा में कुछ प्रश्नों को डीएम ने छात्रों से ब्लैक बोर्ड पर भी हल करवाया। क्यों लिखना है ऐसे ये बता दो। ठीक है, सही लिख रही हो, लेकिन क्यों लिखो ये बताओ, ये लिखा क्यों, ये कौन सा से काम है, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, ये कौन सा सिद्धांत है, पाइथागोरस थ्योरम। इस परीक्षा के दौरान जिला सूचना अधिकारी भी पहुंच गए और डीएम ने उन्हें भी एक परीक्षा पत्र देकर क्लास में बैठा दिया। हालांकि सूचना अधिकारी ने भी प्रश्न पत्र को हल किया और सभी प्रश्नों के सही जवाब दिए। आपको बता दें कि डीएम रवीश गुप्ता ने खुद इस स्कूल को गोद लिया था और वो बच्चों की पढ़ाई के प्रति बहुत ही ज्यादा गंभीर है। ये खबर हमारे संवाददाता खुर्शीद खान राजू और अजहर अब्बास ने कवर की है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।